का कार्यकाल था 5 साल का, और वीवो ने अपने 5 साल जो है अब जो जाते हैं 2020 पे पूरे कर लेंगे। तो दोस्तों 2021 में अब जो है वीवो जो है अब भारत का मतलब भारत का जो आईपीएल है उसका जो है अब ये एक टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगा। तो दोस्तों उसकी जगह काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वीवो के की जगह यहाँ पे आईपीएल का जो यहाँ पे उसका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है उसको खरीदने की कोशिश करेंगी। इसका सबसे बड़े फायदे होते हैं दोस्तों वो होते हैं वीवर उनके में ज़्यादा आते हैं, उनको कंपनियों को ज़्यादा यहाँ पे लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वीवो ने जैसे ही जब तक वीवो ने टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी आईपीएल की तब तक उनको बहुत सारे कम लोग ही जानते थे, बहुत सारे कम यहाँ पे उनको ब्रांड्स के पास उनकी जो थी मार्केटिंग उन्होंने कम करके रखी थी, मतलब मार्केटिंग कम की थी। लेकिन वीवो ने ध्यान लगाया, टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम वो कर रही है। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी जो है वो यहाँ पे वीवो की जगह यहाँ पे आईपीएल की स्पॉन्सरशिप खरीदने वाली फ्रेंड्स। लेकिन रियलमी का बजट भी काफ़ी कम होने वाला है क्योंकि यार रियलमी जो है अपने फोन्स काफ़ी कम मार्जिन पे बेचती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद सैमसंग भी इसमें कॉम्पिटिशन में भाग ले क्योंकि सैमसंग ने हमको दिखाया है कि वो यहाँ पे मुंबई इंडियंस की स्पॉन्सरशिप उन्होंने खरीदी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आईपीएल की भी स्पॉन्सरशिप टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदे। यदि ऐसा होता है तो हमको अगले साल रियलमी आईपीएल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप कितने